अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं वो हमारे बीच आए हैं। कैप्टन अजय सिंह यादव जी संबोधित करेंगे। आदर के योग यहाँ पर उपस्थित आपके राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह जी मुतासरा जी, और हमारे बीच में मुझे बेहद खुशी है कि प्रताप सिंह खत्रीवास जी भी जो हमारे सम्मेलन में आए ओबीसी के सम्मेलन में, ये बहुत बड़ी बात है कि उनको समझ है ओबीसी की, ओबीसी जो है उनके दर्द का उनको महसूस करते हैं वो। हमारे बीच में डॉक्टर करण सिंह जी हमारे बहुत ही सीनियर नेता हैं, अलवर से कई बार एमपी रहे हैं। भाई हमारे नीरज जांगी जी जो हमारे सांसद हैं राज्यसभा से, प्रताप सिंह और पुखराज जी, प्राशर पवन गोदारा जी, महेंद्र गहलोत जी विधायक, गंगा देवी जी, तनवीर खान जी, राजेंद्र सैन जी, अतर सिंह सैनी जी हमारे भूतपूर्व मंत्री हैं, धीरे देसाई जी, राजेंद्र सोनी जी, हरदीप चहल जी, और यहाँ पर जो उपस्थित सभी हमारे साथी यहाँ मौजूद हैं। मेरा ये कहना है कि हरसाय जी को सितंबर के अंदर हम लोगों ने ये पदभार दिया था और मुझे 1 साल 2 महीने हो गए हैं, और मैं समझता हूँ कि जितना बढ़िया काम और जो नाम नोतासारा जी ने मुझे दिया, गोविंद सिंह जी ने, हमने कांग्रेस प्रेसिडेंट को भेजा और वो एकदम से उसको अप्रूव किया। मैं बधाई देता हूँ कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। गिने चुने हमारे ओबीसी के अध्यक्ष हैं जिन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, काफ़ी देर से आप बैठे हैं। मेरा तो ये कहना है कि हमें जो हमारे ओबीसी के बड़े बड़े हमारे जो महापुरुष हैं उनको हमें याद करना चाहिए। ज्योतिबाई ज्योति राव फुले जी, जिनकी 11 अप्रैल को उनका जन्मदिन था, उनको हमें याद करना चाहिए। हमें याद करना चाहिए बीपी मंडल जी को, जिनकी बदौलत आप लोगों को आरक्षण मिला, और उनका 13 अप्रैल को उनकी पुण्यतिथि थी और बहुत सारे लोगों को पता नहीं था। मेरा ये मानना है कि ओबीसी जो है वो देश में 52% है, और राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब लोगों से बातचीत करी, जब आम आदमी से बात करी, पैदल चलते हुए 4,000 किलोमीटर चले, तो जिस तरीके से ओबीसी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने उनके सामने बात रखी, कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी की अहमियत को समझा, और मैं समझता हूँ आज 3 प्रदेशों में से 2 प्रदेशों में हमारे मुख्यमंत्री हैं, अशोक गहलोत जी राजस्थान से और भूपेश बघेल जी हमारे छत्तीसगढ़ से हैं, और जहाँ जहाँ ओबीसी हमारे साथ नहीं है वहाँ हमारी सरकारें नहीं हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ओबीसी के दर्द को हम समझें। आज महंगाई से हम जूझ रहे हैं, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, और भारत जोड़ो यात्रा ने एक तरीके से आप लोगों को ओबीसी के लिए एक संजीवनी का काम किया। और मैं बताना चाहूँगा कि ओबीसी जो कमीशन है 1956 में बना, वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया। मंडल कमीशन जो है वीपी सिंह ने इसकी घोषणा की थी और भाजपा ने वो सरकार गिराई। अगर ये मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे बता दीजिए, वीपी सिंह की सरकार किसने गिराई थी? भाजपा के लोगों ने गिराई थी और अलग पार्टी बनाई अपने। 1992 में जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी तब मंडल कमीशन लागू हुआ था। तो ये बात आप समझ लीजिए कि मंडल कमीशन जो 27% आरक्षण जो आपको मिल रहा है वो कांग्रेस पार्टी के बदौलत मिल रहा है।
उसके बाद जो है 1956 में 1950 में 15% आरक्षण जो है यूपी में दिया गया था। हायर एजुकेशन में 2006 में अर्जुन सिंह जी जब हमारे देश के एचआरडी के मिनिस्टर थे, एजुकेशन मिनिस्टर थे, तब उन्होंने जो है आपका हायर एजुकेशन में आपका MBBS में IIT में IIM में आप लोगों को आरक्षण दिया। और ये BJP वाले क्या कर रहे हैं, अभी EWS में 10% इन्होंने आरक्षण दिया। हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपने इंदिरा गांधी ससानी जो रिपोर्ट की जो 50% की सीमा थी उसको आपने लांग दिया, 60% पे आरक्षण पहुंच गया। झारखंड की सरकार ने 27% आरक्षण के लिए गवर्नर को केस भेजा हुआ है, छत्तीसगढ़ की सरकार ने आरक्षण के लिए केस भेजा हुआ है, लेकिन गवर्नर साहब अपने पास लिए बैठे हैं। आप बताइए ये गवर्नर किसके इशारे पे काम करता है, ये CBI ED इनकम टैक्स किसके इशारे पे काम करती है, आप बताइए। ये यही सांप्रदायिक ताकतें जो हैं, OBC के पे अगर कुठारघात कोई किया है किसी ने तो भाजपा ने किया है कि आज आपके आरक्षण को झारखंड में और छत्तीसगढ़ में रोके बैठे हैं। आपके मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने वहां 27% आरक्षण उन्होंने किया, और शिवराज सिंह जी जो अपने आप को मामा कहते हैं मध्य प्रदेश के, वो घटा के 14% कर दिया। तो आप मुझे बताएं कि ये कब से हमारे देशी हो गए, और मोदी जी कहते हैं मैं OBC हूं, और साहब मोदी जी को गाली दे दी हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, अगर नीरव मोदी ललित मोदी को अगर डाकू लुटेरा कह दिया तो उसमें गलत क्या कह दिया भाई, वो तो OBC नहीं है, ये तो अपमान हमारा कर रहे हैं, OBC समाज का कर रहे हैं कि वो हमारे साथ उनको जोड़ रहे हैं। मोदी कोई जाति नहीं है, मोदी एक टाइटल है। और एक व्यक्ति केस डालता है कहां पर, कोलार में, कर्नाटका में भाषण देते हैं, केस करता है सूरत में, उसका फिर स्टे ले लेता है, उसको पता लगता है कि जो जज वहां बैठा हुआ है वो जो है जो भी वर्डिक देगा राहुल गांधी जी के हक में देगा, तो स्टे ले लेता हाई कोर्ट से। जब उसको, जब राहुल गांधी जी 7 फरवरी को भाषण देते हैं पार्लियामेंट में, पूछते हैं कि अडानी से आपका क्या रिश्ता है, आप किस देश में जाते हो, अडानी को कॉन्ट्रैक्ट क्यों मिलता है, अडानी के साथ कितनी दफा आप जहाज में गए हैं, अडानी ने जिस मुल्क में जाते हैं वहां पर कॉन्ट्रैक्ट क्यों मिलता है, आपने आपकी PMA ऑफिस श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप लोगों ने क्यों आपने सिफारिश करी। जब ये प्रश्नों के जवाब उनके पास नहीं मिलते हैं, 20,000 करोड़ रुपया जो शेल कंपनियों में आपने फर्जी वाड़ा जो रख रखा है वो कहां से आया है, तो श्रीमान जी जो है 23 तारीख को फैसला आ जाता है, 16 फरवरी को केस चालू होता है, और 13 मार्च को फैसला उनके खिलाफ दे दिया जाता है कि उन्होंने अपमान कर दिया मोदी समाज का, जबकि वो पिछड़ा वर्ग में नहीं आते हैं, और 14 तारीख को उनकी सदस्यता समाप्त कर देते हैं। राहुल जी ने कह दिया मुझे किसी बात की परवाह नहीं है, ना तो मैं वो रुकूंगा, और उन्होंने कहा ना मैं झुकूंगा। कहने का मकसद ये है उन्होंने घर भी खाली कर दिया। अरे वो परिवार है जिन्होंने अपना लखनऊ में, इलाहाबाद में जो उनकी अपनी संपत्ति, निजी संपत्ति थी, वो कांग्रेस को सौंप दी, उनका अपना घर भी नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि आज हमें इस बात को समझना होगा। देखिए अभी हमारा अग्निपथ योजना लेके आए, अग्निपथ योजना में 4 साल की नौकरी, मैं खुद फौज में रहा हूं और सबसे ज्यादा इसमें OBC के भाई इसके अंदर भर्ती होते हैं, जाट हो, यादव हो, गुर्जर हो, अनेकों जातियों से हम लोग जो है भर्ती होते थे। हमारे हरियाणा में 5,000 भर्ती होती थी, अब 900 होती है, आपके यहाँ कुछ ज्यादा होती होगी, आपकी जो है एक बटा 10वां हिस्सा कर दिया, और उसमें से ये कह दिया 4 साल काम करेंगे
और 75% घर भेज देंगे। क्या फौज लड़ सकती है 4 साल में? अरे 1 साल 6 महीने की ट्रेनिंग, 6 महीने की छुट्टी, 6 महीने में उसको मैं टैंक, मैं यहाँ जयपुर में पोस्टेड था, मेरी यहाँ मैंने यहीं से एलएलबी करी, मैंने एलबीएस कॉलेज से, यहीं मैं आर्मी में रहा। 6 महीने में तो ड्राइवर को पता लगता है कि टैंक क्या होता है, 6 महीने गनर को पता लगता है कि गन कैसे चलती है। अब 4 साल के बाद उसको आप घर भेज देंगे, नो रैंक नो पेंशन। क्या कहा था? 1 रैंक 1 पेंशन होगा, अब नारा है नो रैंक नो पेंशन। तो हमारे जो फौजी भाई हैं, जो हमारी देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो हमारी फौज के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्या वो देश हितैषी हो सकते हैं क्या? आप देखिए, हमारी पार्टी ने फैसला लिया अभी रायपुर के अंदर, मैं आपका केवल 10 मिनट और लूंगा, उसमें ये फैसला लिया कि जो हमारे अध्यक्ष होंगे उनके लिए एक नेशनल काउंसिल फॉर सोशल जस्टिस बनेगी, एक काउंसिल बनेगी जिसमें एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और जो चारों हमारी विंग है उनके नुमाइंदे होंगे, जो समय समय पर नई नई योजनाओं के बारे में वो काउंसिल 6 महीने एक बार बैठेगी और अध्यक्ष जी को जो है अपने सुझाव देगी कि क्या काम सरकार को करना चाहिए, क्या काम पार्टी को करना चाहिए। इससे बड़ा फैसला कोई हो सकता है क्या? उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर 2024 में हमारे रायपुर के प्लेनरी सेशन में ये पास हुआ कि अगर हमारी सरकार 2024 में बनती है तो हम जातीय जनगणना भी कराएंगे। आपकी पंचायती राजों के अंदर आपकी अनेक जगह आपके आरक्षण खत्म किए जा रहे हैं, क्योंकि आपका राजनीतिक, आपका आर्थिक, आपका सामाजिक, आपकी जनसंख्या का डाटा सरकारों के पास नहीं है। एक नकली ओबीसी कमीशन बना देते हैं, वो नकली काम करते हैं, ओबीसी के आदमी उसमें होते नहीं है। और हमारे हरियाणा में 8% आरक्षण दे रखा है पंचायती राज के अंदर। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर जातीय जनगणना हो जाती है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आपको अधिकार आपको अपना मिलेगा। कांग्रेस ने ये जो फैसला किया है ये ऐतिहासिक फैसला है। कांग्रेस ने अपना स्टैंड अपना क्लियर कर दिया है कि जातीय जनगणना हम करवाएंगे। इसके अलावा ओबीसी का अलग से डिपार्टमेंट बनेगा, अलग से उसकी योजनाएं बनेगी। मेरी अशोक गहलोत जी से मेरी जब दिल्ली में मुलाकात हुई तो मैंने उनसे अनुरोध किया था कि मुख्यमंत्री जी, जिस प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर, झारखंड के अंदर ओबीसी का अलग डिपार्टमेंट बना दिया, आप राजस्थान में भी ओबीसी का नया डिपार्टमेंट बना दीजिए ताकि हमारे ओबीसी के भाइयों के लिए अलग बजट बने, अलग उनके लिए प्रदान हो, अलग जो है योजनाएं बने। ये मैंने उनसे अनुरोध किया। उन्होंने उसी वक्त शशिकांत को कहा कि जैसे ही मैं जयपुर में जाता हूं मुझे याद दिलाना। तो मैं गोविंद सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि आप ये अवश्य उनको याद दिलाएं। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में एससी एससी ओबीसी माइनॉरिटी को भी हम आरक्षण का प्रावधान करेंगे अगर हमारी सरकार 2024 में बनी है, ये प्लेनरी सेशन में पास हो गया। इसके अलावा ये भी कर दिया हमने कि हायर एजुकेशन में आईएम, आईआईटी, एमबीबीएस में जो कि 4 मार्च 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने रुकावट डाल दी थी, उस पर स्टे कर दिया था, उसके लिए दोबारा से हायर एजुकेशन के अंदर हम आरक्षण प्रदान कर देंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं 2024 में अगर कांग्रेस की सरकार केंद्र में आती है, अगर यूपी की सरकार आती है, तो हायर एजुकेशन भी आप में उसमें आपको आरक्षण मिलेगा, प्राइवेट सेक्टर में भी। उसके अलावा ये जो कॉलेजियन सिस्टम है इसको कमजोर करने के लिए ये कहते हैं कि हमारे नुमाइंदे डालो उनमें, 3 नुमाइंदे हमारे डालो। कांग्रेस पार्टी ने प्लेनरी सेशन में फैसला लिया है कि हम लोग इंडियन जुडिशियल सर्विस का प्रावधान करेंगे जिसमें कंपटीशन होगा और उसमें एससी एससी ओबीसी माइनॉरिटी को भी हम आरक्षण देंगे जुडिशियल के, न्यायालय के अंदर भी। इससे बड़ा और क्या कांग्रेस आप लोगों के लिए कर सकती है? मेरा आपका कहने का मकसद ये है कि अगर किसी ने कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ अगर ओबीसी के लिए किया है, प्रमोशन में हमने बात करी है। उसके अलावा मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जो हमारी
जो संगठन है हमारा उसमें 50% आरक्षण जो है उसमें एससी एससी ओबीसी माइनॉरिटी को वर्किंग कमेटी से लेकर और ब्लॉक लेवल तक दिया जाएगा। इस प्रकार के कार्य किए हैं। मैं तो केवल आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं इस देश में महंगाई खत्म हो, बेरोजगारी खत्म हो, निजीकरण खत्म हो, निजीकरण एक जरिया है जिसके द्वारा आपके आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं इन सब बातों से आपको निजात मिले, तो आने वाले समय में जो देश का लोकतंत्र खतरे में है, जो संवैधानिक संस्थाएं हमारी खतरे में है, ईबीसीडीआई इनकम टैक्स जो निजीकरण करके हमारे एयरपोर्ट बंदरगाह अन्य चीजों को जो नष्ट कर रहे हैं, अगर आप उन लोगों को चाहते हैं कि जिस तरीके से बैंक LIC और जिस तरीके से हाइडेनबर्ग ने जो बताया कि LIC और बैंक में आपके पैसे ये लूट रहे हैं, इन लुटेरों को अगर आप हटाना चाहते हैं तो आप कमर कस लीजिए और 2023 में आप ओबीसी के भाइयों से, एससी के भाइयों से, चाहे आप अगली जाति के हों चाहे पिछड़ी जाति के लोगों को मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप दोबारा से आप अशोक गहलोत जी की सरकार को लेके आए, जो कि कितने अच्छे अच्छे अभी आपको मैं रिपीट नहीं करूंगा, चाहे संजीवनी योजना हो, चाहे अन्य कोई किसान की बात हो, चाहे मजदूर की बात हो, जिसके बारे में आपको विस्तार के अंदर आपको सारी बातें बताई हैं, उसको पूरा करें। मैं अंत में आप लोगों का कि आप लोगों ने मेरी बात बहुत ही ध्यान से सुनी, मैं हरसाई जी का शुक्रिया अदा हूँ करना चाहूँगा कि उन्होंने आज यहाँ कार्यालय खोला, ओबीसी के भाई यहाँ पर आकर अपनी बात भी कर सकेंगे। मैं अध्यक्ष जी से ये भी कहना चाहूँगा कि PCC में भी एक कमरा हमारे ओबीसी के लोगों को एक कमरा दे दीजिए, ताकि आप PCC में जाएं तो वहाँ भी कम से कम हमारे ओबीसी के भाई अगर वहाँ जाएं तो वहाँ उनसे मिल सकें। आप लोगों ने मुझे मान सम्मान दिया, पगड़ी पहनाकर मुझे सम्मान दिया। कल मैं जब रास्ते में आ रहा था तो मेरे को भैरौर में, मेरे को पावटा में, मेरे को कोटपुतली में हमारे भाइयों ने मेरा स्वागत किया उनका, और आप लोगों ने जो मुझे पगड़ी पहनाकर जो सम्मान दिया है, पगड़ी की इज्जत हमेशा रखी है, रखूंगा और आपकी पगड़ी पे कभी आंख नहीं आने दूंगा और भाईचारा निभाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। हेलो।